तेरे पिंजरा खाली करते ही ये जगह वापस हमें मिल जाएगी। कुत्ता भी अपने पंजे चाटता हुआ बोला, अगर बुढ़िया इसे पकाएगी तो मुझे भी कुछ हड्डियाँ चबाने को मिल जाएंगी। बड़े दिन हुए हड्डियाँ चटकाए, मजा आ जाएगा। अब तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोच में पड़ गया, हे मैं ये कहाँ फंसा, इससे तो किसान का घर ही ठीक था। कम से कम कोई मेरे पंख नोच कर पकाने की तैयारी तो नहीं कर रहा होता था। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत चुके थे और गर्मियां बीत रही थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद किए बिना सोई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा वहां से निकल भागा। जान बचा कर वो बिना रुके भागता रहा। अब जाड़ों का मौसम नजदीक आ गया था और खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले कई पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरफ जा रहे थे। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। फिर जाड़ों का मौसम आ गया, तालाबों का पानी जमने जगा, बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलता रहा। एक दिन बर्फ गिरी और भूखा बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा ठंड से बेहोश हो गया। वहीं से एक किसान गुजर रहा था, उसकी नजर बेहोश पक्षी पर पड़ी। उसने उठाकर अपने झोले में डाला और सोचा ये बच्चों के लिए अच्छा खिलौना होगा। किसान की गर्म झोपड़ी में बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा होश में आया। किसान के बच्चों ने कुछ दाना पानी दिया तो उसकी जान में जान आई। इस तरह बर्फबारी में भी बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जिंदा बच गया। लेकिन किसान गरीब था और अगली वसंत ऋतु आने तक बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि किसान और उसके बच्चों को उसे झोपड़ी में रखने में दिक्कत होने लगी। एक दिन सबने सोचा इसे घर में रखना अब ठीक नहीं। अगली सुबह किसान ने उसे एक झोले में डाला और पास ही मौजूद राजा की झील में फेंकाया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा कई दिन से पानी से दूर रहा था। उसने जैसे तैसे पैर चलाए और सतह पर आया, उसे तैरने में मजा आ रहा था। अचानक पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तभी दक्षिण की ओर गए पक्षी वापस अपने तालाबों में लौटने लगे। लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों वाले हंस भी घर लौटे। फिर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझ पाया कि वो बत्तख तो था ही नहीं, वो तो हंस था। हंसों के झुंड ने उसे घेर लिया, तुम कहाँ गायब रहे, हमारे साथ दक्षिण तो गए नहीं थे तुम, क्या तुम किसी और झुंड के हो, सबने अलग अलग सवाल पूछा। वो बत्तखों से कई गुना खूबसूरत हो चुका था, किसी ने उसे बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा भी नहीं कहा। हंसते हुए वो नया हंस बोला, ये तो एक लंबी कहानी है। हंस की चाल पर फिदा राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी उसे खिलाने, उससे खेलने आती। वो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वो हमेशा से हंस था।